और मैं सीधा अगर पूछूं पूर्वांचल की मैं बात करूं और गाजीपुर की, मैं यही की अगर बात करता हूं, तो आप कहां तक देखते हैं? तीनों प्रत्याशियों ने अपना दम दिखाया है, नुसरत भी थी, उन्होंने भी नामांकन किया, आप क्या कहें? देखिए, इस बार मुकाबला गाजीपुर में दिलचस्प मुकाबला है और अंतिम दिन तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन प्रत्याशी हार रहा है। तो इस बार भाजपा भी काफी मेहनत कर रहा है। 2019 में जरूर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सफलता नहीं मिली थी और गठबंधन का प्रत्याशी, सपा बसपा का प्रत्याशी जो अफजाल अंसारी थे, वो चुनाव जीते, अच्छी वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। लेकिन वो गठबंधन न होने से इस बार जरूर जनता में ये है कि इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया गठबंधन का है, ये आमने सामने की लड़ाई है और 4 तारीख के बाद ही कुछ कह पाना सही होगा। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो जीत और हार का जो अंतर है वो कम रहेगा, 50,000 के आसपास रहेगा। जी आगे। लेकिन माहौल की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी आते आते उसके विजय का घोड़ा रुक सा जाता है। इस बार पूर्वांचल की राजनीति को आप कहां से देखते हैं? गाजीपुर का समीकरण क्या है? देखिए, गाजीपुर की बात मैंने बताया कि यहां पे सपा गठबंधन और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है और बसपा अभी लोगों की राय के मुताबिक तीसरे स्थान पे रहेगी, लेकिन अच्छी वोट लेने में भाजपा भी कामयाब होगी। अन्य में पूर्वांचल की सीटों की बात करूं तो बनारस में मुकाबला अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां 20 नजर आ रही है, अन्य सीटों पे लड़ाई है, ये मैं कह सकता हूं। जैसे और भी सीटें हैं जिसमें घोसी है, बलिया है, जौनपुर है, और भी जो जिले हैं, जौनपुर है, कुछ ऐसे जिले हैं, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर मैं गाजीपुर सीट के बगल की सीट में बताऊं, बलिया है 72 लोकसभा, जिसमें गाजीपुर की 2 विधानसभाएं आती हैं। वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बतौर वीरेंद्र सिंह मस्त अच्छा काम किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने काम किया था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनको हटाकर नीरज शेखर को लाया गया और नीरज शेखर अच्छी स्थिति में है ये बलिया लोकसभा में। अगर जौनपुर की बात करूं ना, तो जो कभी बसपा से दम भरते थे आज दिल मिल से गए हैं, श्रीकला शायद बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं, राजा भैया की भी बात आ रही है, क्या राजपूत वोटर खुश नहीं है? तो अगर जौनपुर के राजनीतिक बिसात की मैं बात करूं, राम नरेश कुशवाहा है वहां पर, तो आप जौनपुर को क्या देखते हैं? एक बड़ी सीट बनी है और हो सकता है गाजीपुर में भी उसका प्रभाव। देखिए, मैं जौनपुर के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जौनपुर से बहुत मेरा, लेकिन मैं गाजीपुर बलिया के बारे में बता चुका, चूंकि गाजीपुर की 2 विधानसभाएं बलिया में लग रही हैं, तो बलिया जो विधानसभाएं लग रही हैं उसमें आना जाना है, गाजीपुर में आना जाना है, तो यहाँ के बारे में बेहतर आदमी बता सकता है बरकाल जौनपुर के, तो इसलिए आज से जौनपुर के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। रोजगार पे लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा रोजगार पे, पत्रकार हैं आप, अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं रोजगार पे अब कहां तक देखते हैं? धरातल पे बीजेपी ने क्या किया 10 सालों में, इससे पहले कांग्रेस ने क्या किया, एक लंबी यात्रा रही कांग्रेस की। देखिए, रोजगार हर चुनाव में मुद्दा होता है, इस चुनाव में भी है, लेकिन जो पूर्वांचल में जो मुद्दे हैं वो लगभग लगभग मेरा मानना है या जो लोगों से बात हो रही है, तो जातिगत मुद्दे सब मुद्दों पे भारी है, इसलिए आज से ये चुनाव का रोजगार मुद्दा रहता है, इस बार भी मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पे जातिगत मुद्दे हावी हैं, भारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।